हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। कैल्शियम हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। कैल्शियम के साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको विटामिन D3 भी चाहिए तो वो दोनों एक साथ चलते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि विटामिन D3 के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होगा नहीं। तो आप कैल्शियम कितना भी यूज करेंगे, शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो उसका कोई ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। आज का हमारा जो प्रोडक्ट है यही विटामिन D3 का एक ड्रॉप है, जिसका ब्रांड नेम है विटामिन D3 ड्रॉप्स। और इसका अगर आप केमिकल नेम जानना चाहेंगे, एक्टिव कंपाउंड जानना चाहेंगे, तो डेफिनेटली विटामिन D3 जिसे हम कोलेकैल्शियम के नाम से जानते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी सिप्ला है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके घर में छोटे बच्चों को दिया जाता है, जब तक कि उनकी उम्र कम से कम 2-3 साल तक नहीं हो जाती। डॉक्टर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ इंडिविजुअल बच्चा, उसके हिसाब से ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन D3 बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये आगे जाकर के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में फैसिलिटेट करेगा। हमारे शरीर के दो महत्वपूर्ण हिस्से, खास करके पहला वाला आपका बोन यानी कि हड्डियां और दूसरा दांत, ये कैल्शियम के बने हुए होते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो या कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में ना मिल पा रहा हो बच्चे को, तो इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पॉन्जी बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, और उनके डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। दांत कमजोर हो जाएंगे जिससे बहुत जल्दी टूटने लगेंगे, फ्रजाइल होगा, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे जाकर के कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी बॉडी के एक प्रकार से बोले स्ट्रक्चरल वाइज से भी प्रॉब्लम जाने को देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो कि मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं, और मदर को अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है, अगर उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो वही चीज डिफिशियंसी आगे भी फॉरवर्ड हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपेंडिंग ऑन द लैक्टेशन। तो इसके कमी को पूरा करने के लिए विटामिन D3 के ड्रॉप्स हम देते हैं। ये विटामिन D3 हमको सूर्य के प्रकाश से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन हमारे आज के सिचुएशन में सूर्य के प्रकाश में बैठने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल पाता, और अगर जब समय मिलता है तो धूप बहुत तेज हो गई होती है, वहां पर बैठना आपके स्किन को बर्न कर देगा, इसीलिए हमारे पास समय नहीं बचता, ऑप्शन नहीं बचता। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विटामिन D3 देते हैं। जब ये विटामिन D3 को हम देते हैं, तो हमारे शरीर में जो किसी भी तरीके से कैल्शियम आ रहा है, चाहे वो दूध के फॉर्म में हो, चाहे किसी दूसरे सोर्स से आप ले रहे हो, तो उसके एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं किसी के प्रेजेंस में ही काम कर रहा हूं, और मैं जिसके प्रेजेंस में काम कर रहा हूं वही अगर हटा दिया जाए, तो मेरे होते हुए भी मैं काम नहीं करूंगा। बिल्कुल यहां पर सेम है कि कैल्शियम का बेसिक एब्जॉर्प्शन विटामिन D3 की वजह से होता है, तो विटामिन D3 की कमी है तो कैल्शियम का एग्जैक्ट आपको अवेलेबिलिटी एंश्योर नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रॉपर डोज की, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। यहां पे जो आप देख रहे हैं विटामिन D3 का ड्रॉप, इसमें जो विटामिन D3 का कंसंट्रेशन है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट है। इसके पहले एक और प्रोडक्ट मैंने बताया था इसी के रेस्पेक्ट में, वो था किडरिज, वो 800 इंटरनेशनल यूनिट है, इससे भी ज्यादा के इंटरनेशनल यूनिट आते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इंटरनेशनल यूनिट का क्या मतलब है, 400-800 का क्या मतलब है, हर एक बच्चा अलग अलग होता है, सबके लिए एक जैसी सिचुएशन होती नहीं। मतलब मुझे जितनी भूख लगेगी मेरी उम्र के दूसरे बच्चे को क्या भूख लगेगी, बड़े को जितना भूख लगेगा उतना दूसरे बड़े को भूख लगेगा क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक बच्चे के पीछे अलग अलग कंडीशन होता है, किसी को बहुत ज्यादा कमी होती है विटामिन D3 या फिर कैल्शियम की, तो उनको अधिक डोज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए डॉक्टर उनकी कंडीशन को देख करके 800 इंटरनेशनल यूनिट या तो फिर उससे ज्यादा का इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सप्लीमेंट की तरह से देना है, तो उसके रेस्पेक्ट में 400 इंटरनेशनल यूनिट दिया जा सकता है। इसके डोज के बारे में भी आपके डॉक्टर आपको आपके बच्चे की कंडीशन को देख करके बताएंगे। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं, चूंकि ये बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इसके, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता भी नहीं है, तो उसका बेसिक डोज जो होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट के रेस्पेक्ट में, तो दिन में एक बार आपको 1 ml देना चाहिए अपने बच्चे को। बाकी मैं फिर से कहूंगा, सेल्फ मेडिकेशन करने से अच्छा है कि अपने बच्चे के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से सही सलाह ले लें कि इसको कितना यूज करना है। इसमें अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग बेसिक चीजें हैं। इसमें दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि इसको ऐसे जगह पे बिल्कुल ना रखें जहां पे सूर्य की प्रकाश डायरेक्टली आती है, या फिर आपके घर का वो सबसे गर्म हिस्सा हो। आपको इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना। तो ऐसे जगह पे रखिए जहां पे धूप ना आती हो डायरेक्टली, थोड़ा सा ठंडा जगह हो, तो इसको आप रख सकते हैं, और इसको टाइटली क्लोज करके रखिएगा, वरना इसके जो रेडिएंसिटी की प्रॉब्लम है या कोई दूसरे डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। इसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने बताया सिप्ला कंपनी का है, तो इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। बट एक बार हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, तो उसका यूनिट यानी कि इसका डोज बहुत ध्यान रखिए, 400 इंटरनेशनल यूनिट या तो फिर 800 इंटरनेशनल यूनिट, या कौन सा इंटरनेशनल यूनिट आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।